हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वाईफाई जी की ट्रिक पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारा जो यू पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो केस चल रहा था उसको डिसमिस कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। अब कोई केस नहीं है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अब कोई केस नहीं है। इसका मतलब री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी। अब जैसा कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा, टाइपिंग होगी या री एग्ज़ाम होगा, तो दोस्तों अब पहले री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्या होगा, टाइपिंग होगी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज बताऊंगा कि जो हम कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम देंगे तो इसमें मतलब कौन कौन सी बेस्ट किताबें हैं जो हम चूज़ करें। कमेंट से पूछते हैं कि सर हमें बताइए किताबें कौन कौन। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की जो बेस्ट बुक है जो हम भी पढ़ते हैं वो कौन सी है। कंप्यूटर अवेयरनेस की, जो अरिहंत प्रकाशन वालों की बुक है। तो दोस्तों, ये क्या है, ये टोटल इंग्लिश में है। और मेरे ख्याल से कंप्यूटर जो है बेसिकली हमें इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, इंग्लिश से जल्दी समझ में आता है कंप्यूटर। इंग्लिश अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होता है बोलने में भी और पढ़ने में भी। तो दोस्तों, इंग्लिश में भी बहुत ईजी है कंप्यूटर पढ़ना। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके फीचर क्या है, क्या है इस किताब के। तो दोस्तों, इस किताब का जो MRP है वो है हमारा 225 रुपये। हमें डिस्काउंट में जो बुक मिलेगी हमें 180 रुपये की पड़ जाएगी दोस्तों। तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आराम से ही। चलिए दोस्तों, इस किताब का इंडेक्स से देखते हैं, इस विषय सूची में क्या क्या है। तो दोस्तों, इसमें पहला जो चैप्टर है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन जो है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, जिसमें कि हमें इसमें शो किया गया है कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जो टोटल जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है, वो सभी इसमें पहली विषय सूची में दी गई। दूसरा चैप्टर दोस्तों इसमें कंप्यूटर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ऑर्गेनिज्म में क्या है दोस्तों, कि प्राइमरी लेवल में देखो, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तो प्राइमरी लेवल है, दूसरा एडवांस लेवल है। आप वो डीप में जाना चाहते हैं दोस्तों तो हम इसमें एडवांस लेवल भी पढ़ सकते हैं। एडवांस लेवल बाद में मतलब उसकी डेफिनेशन में दिया हुआ, मैं आपको दिखा दूंगा अभी बिल्कुल। जैसे कि इसमें अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी वैसी उसकी डिटेल्स भी हैं। अगला है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, मेमोरी है। अगला है हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हमें बाइनरी न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है, जो हमारा बाइनरी हेक्साडेसिमल डेसिमल है। टोटल दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। अगला है इसमें सॉफ्टवेयर है, उससे अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे अगला MS विंडोज़ है, टोटल है भाई इसमें। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है आपसे, मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चे जो हैं इसी बुक को पढ़ते हैं अधिकतर, क्या जहाँ तक मैं जानता हूँ सही, बच्चों ने पिछली बार भी यही बुक परचेज़ की थी। अब हम अगला है MS Excel हुआ, MS PowerPoint हुआ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, MS Access हुआ, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हुआ। अगला है इंटरनेट हुआ दोस्तों, उससे अगला टॉपिक है इसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हुआ, यहाँ से मॉलवेयर जो आते हैं हमारे, जो एंटीवायरस वायरस होते हैं सभी यहाँ से आते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, कंप्यूटर डिज़ाइन हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ। इसमें दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जहाँ वो आता है ना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, वो यहीं से मतलब काफ़ी डिटेल से दी हुई है इस चीज़ में। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, जावा, ETC, वहाँ से जो क्वेश्चन उठते हैं। अगला है डाटा स्ट्रक्चर, ये एरे से क्वेश्चन आते हैं, स्टैक आता है, क्यू आता है, लिंक्ड लिस्ट। उससे जस्ट अगला है दोस्तों लास्ट इसमें SQL बेसिस एंड नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें SQL जो लैंग्वेज हमारी, उसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं वहाँ से। अब देखेंगे दोस्तों इसका हम अगला जो यहाँ से मतलब इसका थोड़ा अंदर चल के देखते हैं अंदर है क्या। तो दोस्तों इसमें अंदर हम देख, हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्राइमरी लेवल देख रहे हैं आपको, उसके बाद में इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि डिफाइंस ऑफ कंप्यूटर, जैसा हमने पीछे तो उसमें टॉपिक नंबर भी था, डिफाइंस ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से था ना। तो वैसे ही इसमें पहला टॉपिक है डिफाइंस ऑफ कंप्यूटर, फिर उससे क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए यहाँ से, और जस्ट उसके नीचे इसके आंसर की भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब देखेंगे इसमें हम एडवांस लेवल क्या है इसका। दोस्तों एडवांस लेवल आप देख सकते हैं, इसमें जो है आपको चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, CTC, मतलब एडवांस लेवल में क्या आपको और डीप पहुँचा दिया गया है इसमें। अगर हम पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो इसकी ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीप नहीं पूछा जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर में।
तो दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में बुक अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा। और हाँ दोस्तों, इस बुक के पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, ज़रूर से ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यही दिखाना बताना चाहता था। और हाँ, एग्ज़ाम होगा, अब कंफर्म हो चुका है, री एग्ज़ाम ही होगा। और अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखें। और मैं अभी अब वीडियो अपलोड करता हूँ, जो मतलब नंबर सिस्टम की तो मैं कर चुका हूँ दो तीन अपनी वीडियो अपलोड। उसमें एक वो रह गया है, कॉम्प्लीमेंट रह गया, वन कॉम्प्लीमेंट टू, टू कॉम्प्लीमेंट रह गए हैं। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और इस बार नौकरी लेकर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।